हेलो भाई, सचिन वाजे को लेकर अभी अभी एक और बड़ी और बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली न्यूज़ सामने आ रही है, वो भी एनआईए की तरफ द्वारा। जैसा कि आप सबको बताया कि एनआईए जो है इस केस की छानबीन कर रही है, खासकर कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो खड़ी थी स्कॉर्पियो उसको लेकर, और मनसुख हिरेन की जो डेथ केस है, दोनों केस में एनआईए की तरफ से छानबीन की जा रही है। और अभी अभी एक और बड़ी अपडेट दी गई है और एक बड़ी कार्रवाई की गई है एनआईए के द्वारा। एनआईए ने यूएपीए धारा एक्ट जो है सचिन वाजे के ऊपर 16 और 18 जो है और जोड़ दिया है, यानी कि अब जो है जो छानबीन अभी तक नॉर्मल चल रही थी अभी और अच्छे से छानबीन चलेगी, और जो है इसमें जो मेन कल्प्रिट अभी बचे हुए हैं उनको भी एनआईए कहीं ना कहीं से अरेस्ट कर लेगी बहुत ही जल्द। सबसे बड़ी बात, जो एनआईए सॉरी जो संजय राउत और उद्धव ठाकरे, जो कि इनको आपको अगर याद होगा तो संजय राउत ने एक चीज़ बोली थी और उन्होंने बोला था कि सबसे ज़्यादा हॉनेस्ट पर्सन जो है सचिन वाजे को बोला था कि सचिन वाजे बहुत ही ज़्यादा हॉनेस्ट पर्सन है और उनके साथ में इस तरह कार्रवाई नहीं करना चाहिए। और साथ में उद्धव ठाकरे ने भी ये चीज़ कंफर्म किया था कि वो जो है उसामा बिन लादेन नहीं है, तो उनके साथ में इस तरह की बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो दोनों लोग अभी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। साथ में ही अगर बात की जाए तो बीजेपी के जो एक नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, उनकी तरफ से भी एक अपडेट आई, उनकी तरफ से बोला गया कि संजय राउत जो हैं वो कोई बड़े नेता नहीं है कि उनकी बातों को हम सुने, तो संजय राउत के बातों पे ज़्यादा ध्यान न दें और अपनी कार्रवाई पे आगे बढ़ें। तो कहीं ना कहीं संजय राउत की जो है ये बेइज्जती की जा रही है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, तो अभी पूरी तरह से ये लोग फंसते हुए नजर। और साथ में ही गाइस बात करें तो रिजाउद्दीन काजी जो कि सचिन वाजे का फ्रेंड है और वो जो है उस टाइम जिस टाइम सारा कांड किया जा रहा था उस टाइम वो भी वहाँ पर था, तो उसने जो है अपना सब कुछ सारा गुनाह एक्सेप्ट कर लिया है और वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। यानी कि रियाजुद्दीन काजी जो है वो जो है एक्सेप्ट अपना गुनाह एक्सेप्ट करने के साथ साथ जो कुछ वहाँ पर हुआ है वो सारा का सारा एक्सेप्ट कर लिया है एनआईए के साथ में, और सारे के सारे एविडेंस जो है वो कोर्ट में जाके गवाही देने के लिए रेडी हो चुका है और वो सरकारी गवाह बन चुका है। तो कहीं ना कहीं अभी सचिन वाजे की मुसीबत बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, और साथ में ही सचिन वाजे के साथ साथ में संजय राउत और साथ में ही उद्धव ठाकरे की मुसीबत कई गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी एक सरकारी गवाह भी जो एक मिल चुका है वो भी एनआईए की टीम को। तो गाइस आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।